subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और स्किल्स के लिए आर यू रेडी गाइस? क्या सभी तैयार हैं? बिल्कुल टिक के चीजों को देखना और अप्रोच करना है. सभी रेडी हैं ग्रामर स्किल्स के लिए? शुरू करें. सो द वेरी फर्स्ट वन, सबसे पहले इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स टाइम. देखो जब भी हमें मिलता है इट्स हाई टाइम, मतलब इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, वी टू कम्स इन द सेंटेंस. देखो ध्यान से समझना, अगर हम इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम इन सब का यूज करेंगे तो आगे आपको हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म मिलेगा. ठीक है, जस्ट लाइक कुछ ऐसे बोल सकते हैं हम, इट्स टाइम या इट इज टाइम ही वर्क्स हार्ड. बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें? इट्स टाइम ही वर्क्स हार्ड. स्पीड में देखो और बताओ क्या प्रॉब्लम है. देखो देखने में तो लग रहा है इट इज टाइम लिखा हुआ है. इस पॉइंट पे पहले डिस्कशन किया है, काफी पहले एक पॉइंट आया था उसमें मैंने डिस्कशन इस पे किया है. देखने में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये सब प्रेजेंट लग रहे हैं और हैं भी, लेकिन इसके बाद आने वाला स्ट्रक्चर हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होता है. मतलब आगे का जो भी स्ट्रक्चर आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा. मतलब वर्क्स की जगह पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? वर्कड का यूज करना पड़ेगा. वर्क्स की जगह पे क्या आएगा? वर्कड आएगा. और स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? इट्स टाइम ही वर्कड हार्ड, इट्स टाइम ही वर्कड हार्ड. क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? हाँ, तो जब भी इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स अ हाई टाइम, जब भी ऐसे स्ट्रक्चर्स का यूज करेंगे तो आगे हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है. सबसे पहले ये समझिए, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही आएगी, कभी फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, हमेशा सेकेंड फॉर्म का वर्ब की यूज करेंगे. मतलब आगे का स्ट्रक्चर हमेशा कैसा होगा? पास्ट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर होगा आपका. आगे का स्ट्रक्चर हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होगा. अब एक और क्वेश्चन उठता है कि सर इट इज टाइम लिखा है तो आगे पास्ट इंडेफिनिट क्यों? इट इज टाइम लिखा है तो आगे आखिर पास्ट इंडेफिनिट क्यों? व्हाई? ये तो रूल हो गया, ये तो रूल हो गया. इट इज टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट आएगा, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट्स हाई टाइम, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट आएगा, ये रूल हो गया. ठीक है, लेकिन इसका रीजन क्या हो सकता है? क्या रीजन हो सकता है बताओ? अच्छा इसको ऐसे समझना, आपके घर में ऐसा होता होगा अक्सर, मतलब ये एक पॉइंट है, ऐसा हो सकता है. ठीक है, इससे पैटर्न कर सकता है ये पॉइंट कहीं ना कहीं. जस्ट लाइक आपके फादर या मदर कभी आपसे कंपैरिजन करते हैं अपना, जब तुम्हारी उम्र में हम थे ना, ये जितनी तुम्हारी उम्र है ना, इस उम्र में हमने पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी, इस उम्र में हमारी शादी हो गई थी. ऐसा कभी रहता है स्ट्रक्चर? ऐसे कभी बात होती है? ऑब्वियसली होती होगी. मदर कहती हैं गर्ल्स से, ज्यादातर ऐसा आपने देखा होगा, मदर गर्ल्स से कहती हैं कि जब तुम्हारी उम्र में थे तो हमें सारा काम आ गया था, सारे तरह के वर्क्स हम आराम से कर लेते थे, पूरे किचन को खुद संभालते थे, इतनी बड़ी फैमिली को हम खुद हैंडल करते थे, और एक तुम हो. पापा कहते हैं कि मैं जब तुम्हारी उम्र में था तो मैंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी, एंड ऑल एंड ऑल एंड सो ऑन, और एक तुम हो. एक्चुअल में वो कर क्या रहे हैं? ध्यान से समझना, मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा अच्छा है ये करना बुरा है, आई एम नॉट सेइंग दिस. मैं एक प्रैक्टिकल सी बात कर रहा हूं आपसे, एज एक्चुअल में वो कर क्या रहे हैं? आपके प्रेजेंट को अपने पास्ट से कंपेयर कर रहे हैं, जो आपका प्रेजेंट है उसको अपने पास्ट से कंपेयर करने का काम कर रहे हैं. लॉजिक समझ रहे हो मेरी बात का, मैं क्या कहना चाहता हूं? लॉजिक समझ रहे हो? तो ये इसका एक रीजन हो सकता है. इट इज टाइम ही वर्कड हार्ड, यही समय सही समय है जब उसने काम किया था. मतलब किसी ना किसी से कहीं ना कहीं कंपैरिजन चल रहा है, किसी के प्रेजेंट का किसी और के पास्ट से कंपैरिजन चल रहा है.
कुछ ऐसे स्ट्रक्चर ये रिलेट हो रहा है कहीं ना कहीं, और ये कहीं ना कहीं बेसिक रीजन है इसका कि यहां पे हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर रहे हैं। अभी के लिए इतना दिमाग में रखना कि अगर इट्स हाई टाइम आ जाए, इट्स अबाउट टाइम आ जाए या इट इज टाइम आ जाए, इट्स कॉमा लगा के ऐसे लिखा है मतलब इज लिखा है वहां पे, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम, ऐसा कुछ भी आ जाए। नाउ वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड, यू नीड टू ऑलवेज यूज पास्ट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर आफ्टर इट। इसके बाद आपको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर का ही यूज करना है। क्या मेरी बात पूरी तरह से क्लियर हो गई? जो मैं कह रहा हूं वो पूरी तरह से समझ आ गया? यस और नो? चल तो अब इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, वेरी गुड, बिल्कुल रागिनी, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड, अच्छा सच में। इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड। अच्छा, इट्स हाई टाइम कुछ ऐसा बोला जा रहा है, यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड, तो अब स्टेटमेंट क्या जाएगा? इट्स अ हाई टाइम यू स्टार्टेड वर्किंग हार्ड। इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड वर्किंग हार्ड। इट्स टाइम यू हेल्प हिज फ्रेंड। इट्स टाइम यू हेल्प की जगह पे क्या आएगा? हेल्प आएगा, हिज फ्रेंड। इट्स टाइम यू हेल्प्ड हिज फ्रेंड, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाने वाला है। तो आई थिंक समझ आ गया सबको मैं कहना क्या चाहता हूं। जब भी हम इट्स टाइम की बात करेंगे, इट्स हाई टाइम या इट्स अबाउट टाइम, इस सब के बाद हमेशा आगे का स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनेट का जाएगा, मीन्स आगे आपको हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलने वाली है। क्या सभी को क्लियर हो गया जो मैं कहना चाहता हूं? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, सबको क्लियर हो गया अच्छे से? 1% भी डाउट तो नहीं बच रहा है? फंसोगे तो नहीं इस पॉइंट में कभी भी? लाइफ टाइम दिमाग में रहेगा ना, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम इज ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट इंडेफिनेट टेंस, मीन्स वर्ब सेकेंड फॉर्म शुड बी यूज्ड आफ्टर इट। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है देखो ध्यान से समझना। कुछ वर्ब्स हैं, इनको आपको ध्यान से दिमाग में रखना है। जैसे ये वर्ब्स हम भूलते बहुत जल्दी हैं, सबसे पहले ये समझिए, ठीक है? इन वर्ब्स को दिमाग में रखना है। जस्ट लाइक आस्क का यूज करें, अगर हम एडवाइस का यूज करें, अलाउ, कमांड, फोर्स, फॉरबिड मतलब मना करना, इन्वाइट, इनकरेज, बेग, ऑर्डर, इमेजिन, इंस्ट्रक्ट, परमिट, परसुएड समझाना, परसुएड मतलब किसी को मनाना या समझाना, टेल, रिक्वायर, रिमाइंड याद दिलाना, टीच, इटीसी। ये जितनी भी वर्ब्स हैं सारी की सारी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ये जितनी भी वर्ब्स हैं सारी की सारी कैसी वर्ब्स हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब के केस में एक पॉइंट आप सबको पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं, etc are followed by direct object and no preposition is used before the object। इनके बाद हमेशा direct object मिलता है, like I advised to you, ये correct है क्या? If I am saying I advised to you, he allowed to me, correct है? He commanded to me, he forced to me, He forbid to me, कुछ हो सकता है ऐसा? नहीं ना, प्रैक्टिकल सी बात। He invited to me या to him, to them, सब गलत है। इन वर्ब्स के बाद स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना अपने पास, सबसे ज्यादा आई हुई वर्ब्स हैं वही रखी हैं यहां पे। ट्रांजिटिव वर्ब्स तो और भी हैं, इतनी थोड़ो ना है, लेकिन ये सबसे ज्यादा आई हुई हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर में, ये वो वर्ब्स हैं, ठीक है? मीन्स इनके आने के चांसेस ज्यादा है। जब भी इस तरह की वर्ब्स का आपको यूज करना है, आपको याद रखना है इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब बीच में अगर कोई भी प्रपोजिशन आ गया, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई प्रपोजिशन आ गया, तब समझ लो बीमारी उसी पार्ट में, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा इन वर्ब्स के बाद, दिमाग में रहेगी ये चीज, डन? तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब विच टेक्स एन
ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, वर्ब के बाद जिसके बाद तुरंत आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, ऐसी वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मतलब जिसके साथ कर्म होता है, जिसके साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है, दैट इज नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, अब टू स्टेटमेंट्स हैं, फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। बिल्कुल हलवा सा पार्ट है, स्पीड में देखिए क्या बीमारी है और पिक करिए अपना आंसर। जब हम पैसिव में स्ट्रक्चर का यूज करते हैं तो एक प्रैक्टिकल सी बात है कि बाई का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं। ठीक है, मतलब एक्टिव स्ट्रक्चर जब होगा तभी के लिए ये पॉइंट है। जैसे एक बच्चे ने पूछा ना आर एम वी क्रिएशन, अगर पैसिव में है, जैसे कि अगर ये सेंटेंस है ही एडवाइज्ड टू मी टू डू इट, अब यहां पे स्टेटमेंट ये खत्म हो गया, यहां पे टू का यूज नहीं होना चाहिए, एलिमिनेट हो गया। ही एडवाइज्ड मी टू डू इट, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जाएगा। ही परसुएड्स हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को समझाया, तो परसुएड्स के बाद टू का यूज नहीं करेंगे, फिर ही परसुएड्स हिज ब्रदर, कुछ ऐसा। अब अगर इसका पैसिव बनाएंगे, ही एडवाइज्ड मी टू डू इट, पैसिव क्या बनेगा जरा बताओ? ही एडवाइज्ड मी टू डू इट, पैसिव क्या बनेगा? आई वॉज एडवाइज्ड बाय हिम। टू डू इट, ऐसे ही कुछ ना स्ट्रक्चर जाएगा। अब यहां पे बाय हिम लगाओ या ना लगाओ कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा ना स्ट्रक्चर पे। आई वॉज एडवाइज्ड टू डू इट, आई वॉज एडवाइज्ड टू डू इट, ये भी सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बाय हिम लगा रहे हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर पैसिव का है, ये बाय एडवाइज्ड की वजह से नहीं आया है वहां पे। बाय क्या कर रहा है? सब्जेक्ट को जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, एक्टिव एजेंट जो है उसको जोड़ने का काम बाय कर रहा है। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये जो फंडा है जो अभी अभी मैंने बताया, ये लागू कहां पे हो रहा है? जितने भी एक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, एक्टिव में स्ट्रक्चर्स हैं, उनके लिए लागू हो रहा है। क्या आपको समझ में आ गई मेरी बात, मैं जो कहना चाहता हूं? यस और नो? चल नेक्स्ट वन। तो एक्टिव पैसिव पढ़ा है ना सबने? पढ़ा है ना एक्टिव पैसिव? नहीं पढ़ा हो तो सर्च कर लेना एक बार, जरूरी है एक्टिव पैसिव पढ़ना सभी को, क्योंकि ग्रामर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव बाय नितिन महंद्राज या वॉइस बाय नितिन महंद्राज सर्च कर लेना, आपको कई लेक्चर्स मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब पे ही, तो एक बार देख जरूर लेना एक्टिव पैसिव, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का ये। ठीक है, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।